अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं सीव्यू की तरफ और आप ये देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट थी बेसिकली आपको दिखाना चाह रहा था। काफ़ी लोगों ने डेफिनेटली इस चीज़ को देखा भी होगा। बस यहाँ पर अब शजरकारी और प्लांटेशन वगैरह का काम चल रहा है। आपने देखा होगा, बल्कि बहुत से लोग आए भी होंगे, तो ये पूरा एरिया यहाँ पर कचरा भरा हुआ होता था और बिल्कुल गंदगी यहाँ पर बहुत होती थी। तो अब ये है कि यहाँ पर प्लांटेशन हो गई है, तो लोग ज़ाहिर सी बात है उस प्लांट का ख्याल भी रखेंगे और यहाँ पर इंतज़ामिया है वो भी चीज़ को देखेगी। तो डेफिनेटली एक हमारा इंटरनेशनल लेवल का हमारा जो एक सारे समंदर आपने देखा होगा अक्सर टीवी वगैरह पे, तो वो हमें देखने को मिले। रोड चेक कीजिएगा, ये पूरा ट्रैक बनाया हुआ है और अब यहाँ पर रात को लाइटें भी ऑन होंगी, क्योंकि अभी देखिएगा यहाँ पर काम वर्किंग चल रही है। तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में आपको यहाँ पर खूबसूरत सा रोशनी भरा एक साहिल समंदर हमारा नज़र आएगा और यहाँ पर लोग आएंगे, रात के टाइम भी आएंगे, क्योंकि इससे पहले रात में यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता था और लोगों के लिए बैठने की कोई इतनी अच्छी जगह नहीं थी यहाँ पर। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं और अपनी फैमिली हुकूमत का बेहतरीन इकदाम है। और ऐसे बहुत सारे और भी पॉइंट जो सिंध हुकूमत की तरफ से हमें मिले हैं देखने को, तो डेफिनेटली ये भी पॉइंट है। और यहाँ पर देखिए प्लांटेशन का काम बड़ा तेज़ी से जारी है और यहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर लोग इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो आने वाले वक्तों में यहाँ पर हमें बहुत अच्छा एक साहिल मिलेगा देखने को। और व्यूअर्स आप ये चेक कीजिएगा कि ये लुक देखिएगा कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। और इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा ये एकदम है। और यहाँ पर एक शेडो भी बनाए हुए हैं, कैफेटेरिया भी बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग अब आएंगे, कुछ देर बैठेंगे। आप देखिएगा आज से पहले यहाँ पर आपको लोग बैठे हुए नज़र नहीं आते थे, लेकिन क्योंकि बैठने की कोई जगह थी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अब यहाँ पर आपको बैठने की जगह मिलेगी। और एक छोटा सा मेरे पब्लिक सर्विस मैसेज भी है कि आप यहाँ पर आएँ तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें कि यहाँ पर आपको सफाई का ख्याल रखें। और बिल्कुल मैनर्स एक अच्छे शहरी का सबूत दें आप, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है बाहिसे शहरी कि हमें इन चीज़ों का ख्याल रखें। अभी देखिएगा कितनी दूर तक ये आप व्यूज़ व्यूवर्स आप चेक कीजिएगा कि कितनी दूर तक आपको व्यूज़ नज़र आ रहा होगा, ये कि दूर तक यहाँ पर प्लांटेशन हुई हुई है। तो इसका मतलब ये कि काफ़ी बड़ा एरिया जो है उन्होंने इसको डेवलप किया है और यकीन करेंगे ये बहुत अच्छा एकदम है। व्यूवर्स चेक कीजिएगा ये प्लांट्स, ये खूबसूरत से पौधे यहाँ पर लगाए हुए हैं। मेंटेनेंस के लिए भी यहाँ पर काफ़ी लोग हायर किए गए हैं। ये देखिएगा पाम ट्री, आपने ज़रूर यहाँ पर मलेशिया और बहुत सारे ऐसे गल्फ कंट्री के अंदर भी साहिल देखेंगे जहाँ पर आपको पाम ट्री भी नज़र आते होंगे, जो एक बड़ा अच्छा लुक देते हैं। तो व्यूअर्स आपको आने वाले वक्तों में ये वही मंज़र पेश करेगा और यकीन करेंगे कि हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम इस इसको मेंटेन करें, ना कि इसका ख़राब करें इसको। तो आने वाले वक्तों में नाज़रीन आपको ये बिल्कुल अच्छा देखने को मिलेगा। बस चेक कीजिएगा यहाँ पर दोनों तरफ आपको ट्रैक नज़र आ रहे हैं और आने वाले वक्त में यकीन करेंगे आपको ये बहुत अच्छा फील होगा यहाँ वॉक करना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी यहाँ की जो रिहायशी हैं यहाँ पर सुबह आके वॉक भी कर सकते हैं सुबह में और रात में वॉक कर सकते हैं। तो यकीन करेंगे कि अच्छा एक अच्छी तफरी फराहम की गई है हुकूमत की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से, कि यहाँ पर आवाम कुछ देर आके अपना रिलैक्स कर सकते हैं, जिनको वॉक करनी है, जिसको जॉगिंग करनी है वो आके कर सकते हैं। अब ये देखिएगा शेडो, आज से पहले इस तरह के शेडो वगैरह टूट फूट का शिकार थे, फैमिली आती थी बैठने की सिटिंग
कुछ नहीं था, सिटिंग वगैरह का एरिया कुछ नहीं था, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा देर तक यहाँ पर बैठते नहीं थे। लेकिन अब देखिएगा, बस कुछ सफाई का मसला है जिसको करने की ज़रूरत है, और यकीन करिए जिस दिन सफाई यहाँ पर हो गई उसके बाद यहाँ पर यकीन करेंगे कि बहुत अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको यहाँ पर ऐसे दिखाता हूँ कि ये देखिएगा व्यूअर्स, ये जो पूरा ट्रैक है रोड के बिल्कुल सर्विस रोड के साथ ही, ये बड़ा खूबसूरत लगा मुझे, एक अच्छा लुक दे रहा है। और मैं ये चीज़ देख के बड़ा हैरान हुआ कि बहुत बड़ा एरिया है जो पूरा ग्रीन बेल्ट बना दिया इसको पूरा, और यहाँ के अब लोग बैठ सकते हैं, फैमिली बैठ सकती है कुछ देर, समंदर को एंजॉय कर सकती है अच्छे तरीके से। वरना आज से पहले लोग यहाँ पर सिर्फ दूर से खड़े होकर देखते थे और चले जाते थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ बैठने को इंतज़ाम नहीं था कुछ अच्छे तरीके से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये एक अच्छा इकदाम है, और सी व्यू का पूरा लुक जो है वो ज़बरदस्त अच्छा हो गया है। रोड का स्ट्रक्चर आज से पहले बिल्कुल ख़राब था, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी यहाँ पर, जिसकी वजह से समंदर या खौफनाक मंजर पेश करता था। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक अच्छा मंजर पेश करेगा, और यहाँ पर लोग आएंगे, एंजॉय करेंगे और अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स, डिफरेंट सर्किल जो है बनाए हुए हैं, ट्रैक बनाए हुए हैं, और इस तरह के आगे भी ट्रैक है बहुत सारे। बस आप सबसे मेरी दरख्वास्त है बहैसियत शहरी कि आप प्लीज़ आएँ, अपना अपने पर कंट्रीब्यूशन डालें अपना, क्योंकि ये सारे समंदर हमारा, हम सबका है, पूरे पाकिस्तान का है, और इसकी हिफाजत करना भी हमारा कौमी फरीज़ा है, क्योंकि हम और हमारी आने वाली जनरेशन इन सब के लिए तोहफा है। और चेक कीजिएगा, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत सी प्लांटेशन हुई हुई है, और ये काफ़ी टाइम से, तो ये तो काफ़ी टाइम, ये पोर्शन तो काफ़ी टाइम से हुआ हुआ था, लेकिन इतना एक्सपेंड नहीं किया था इसको, लेकिन ये आगे से स्टार्ट हुआ था, ये आगे जो चंकी मंकी है उस वाले पोर्शन में जस ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसे ये एक्सपेंड करते गए, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और ये आने वाले वक्त में ये आगे बढ़ेगा और आगे तक प्लांटेशन होगी। व्यूअर्स यकीन करेंगे बहुत खूबसूरत लग रहा है, और इसे देख के कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा कि मैं किसी कराची के किसी साहिल पे वॉक कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं किसी इंटरनेशनल लेवल के साहिल पे वॉक कर रहा हूँ, क्योंकि व्यूअर्स इंटरनेशनल लेवल के जो साहिल होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, बल्कि इससे भी जदीद होते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमने इसे शुरुआत की, और मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ा हमारा एक अच्छा इकदाम है, क्योंकि अगर ये भी नहीं होता तो हम क्या करते, क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे हम, तो शुक्र है कि हमें ये भी देखने को मिला, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। चेक कीजिएगा ये, और यकीन करेंगे इससे आपको देखने भी खूबसूरत एहसास हो रहा होगा, और अगर आप यहाँ पर वॉक करेंगे तो आपको लिटरली आपको अच्छा एहसास होगा कि आपको यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह देखने को मिलेंगे ज़रा आपको। तो इन सब की देखभाल करना हमारा कराची के शहरियों का ही जो है वो एक फ़र्ज़ है। ये देखिए काफ़ी दूर तक यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, पूरा बेल्ट है वहाँ तक पूरा। व्यूअर्स आप हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको कैसा लगा, कोई एक्सपीरियंस ज़रूर यहाँ पर आप आएँ, बहुत से लोग तो आए होंगे लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर विज़िट नहीं किया होगा आई एम श्योर, तो आप यहाँ पर आएँ और विज़िट करें, और इस खूबसूरत साहिल को जो है वो इन्जॉय करें, यकीन करेंगे ये खूबसूरत साहिल जो है हमारा कीमती तोहफा है सिंध हुकूमत की तरफ से। और यहाँ पर देखिए प्लांटेशन वगैरह भी तमाम चीज़ चल रही हैं, तो
آنے والے وقت میں آپ کو بہت خوبصورت یہ ساحل پیش کرے گا. آپ ہمیں ضرور سپورٹ کیجیے گا ہمارے چینل کو, اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.